आज हम बाय स्टेट पढ़ेंगे और उसमें हमारा टॉपिक है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, कि कोरिलेशन क्या होता है और रिग्रेशन क्या होता है और इनके हमारे पास अपने स्पेसिफिक फार्मूले हैं। तो आज हम स्टार्ट लेते हैं कोरिलेशन से कि व्हाट इज़ कोरिलेशन। कोरिलेशन हमारे पास बाइलेटरल रिलेशन है बिटवीन टू क्वांटिटीज। कोरिलेशन क्या है कि व्हाट इज़ कोरिलेशन। कोरिलेशन तो हमारे पास को कहते हैं विद इन या बिटवीन, सो इट इज़ अ बाइलेटरल। ये हमारे पास बाइलेटरल रिलेशनशिप है बिटवीन टू क्वांटिटीज। बाइलेटरल रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज, बिटवीन टू क्वांटिटीज। बायलेटरल रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज़। और इसमें एक और बात है कि ये हमें सिर्फ रिलेशन देता है, इट जस्ट गिव रिलेशन। काज इसके बारे में हमें नहीं पता था, इट जस्ट गिव सिंपल कोरिलेशन, सिंपल रिलेशन। ये हमें सिर्फ सिंपल रिलेशन देता है, इसके काजुअल इफेक्ट के बारे में नहीं बताता, क्योंकि किसी जो साइड इफेक्ट हो या कोई और चीज़ हो वो और काज के दरमियान जो डिफरेंस होता है वो हमें पता चलता है, या उसके दरमियान काज और उसके रिलेशन, काज एंड डिजीज़ के दरमियान जो रिलेशन है वो हम मालूम करते हैं एक्सपेरिमेंटल स्टडी के ज़रिए। तो ये हमारे पास सिंपल रिलेशन देता है और एक्सपेरिमेंटल रिलेशन नहीं देता, सिंपल रिलेशन दो चीज़ों के दरमियान देता है। और इसको हम डिनोट करते हैं, कोरिलेशन इज डिनोटेड बाय पी आर रो। इसको हम डिनोटेड बाय पियर्सन, इट इज डिनोटेड बाय पियर्सन कोएफिशिएंट, जिसे पियर्सन कोरिलेशन भी कहते हैं, कोरिलेशन कोएफिशिएंट मींस इसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी रिप्रेजेंटेशन इसके ज़रिए होती है। और ये कोरिलेशन हमारे पास तीन चीज़ें बताता है, कोरिलेशन ये पियर्सन ये तीन चीज़ें बताता है। कौन कौन सी चीज़ें? फर्स्ट जो पहली चीज़ है वो ये कि रिलेशन है कि नहीं है, मीन्स ये जो पी की वैल्यू है या रो, ये जो रो हमारे पास है पियर्सन कोरिलेशन का जो कांस्टेंट है रो, ये हमारे पास तीन चीज़ें बताता है, पहली दूसरी और तीसरी। तो फर्स्ट क्या बताता है कि रिलेशन है या नहीं, रिलेशन जो है दो क्वांटिटी के दरमियान ये रिलेशन है या नहीं है। दूसरा विच टाइप ऑफ रिलेशन, पॉजिटिव रिलेशन है या नेगेटिव रिलेशन है। और क्वांटिटी भी बताता है कि कितना रिलेशन हमारे पास दो क्वांटिटी के दरमियान है, क्वांटिटीज भी बताता है रिलेशन की। सही है, किस तरह इसको एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं कि हमारे पास एक मॉडल है, मीन्स एक हम ग्राफ यहाँ पे ड्रा करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं एक्सरसाइज, एक्सरसाइज यहाँ पे लिखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं हेल्थ। तो एक्सरसाइज और हेल्थ का आपस में क्या रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन। और इस रिलेशन को पॉजिटिव रिलेशन भी कहते हैं, पॉजिटिव रिलेशन कहते हैं और इसको हम डायरेक्ट रिलेशन भी कहते हैं। कि अगर एक शख्स एक्सरसाइज रेगुलर एक्सरसाइज करता है तो उसका जो हेल्थ लेवल है वो बढ़ेगा, उसका हेल्थ लेवल वो इंक्रीज होगा अगर वो एक्सरसाइज करेगा। तो ये हमारे पास पॉजिटिव रिलेशन, पॉजिटिव कोरिलेशन की एग्जांपल हैं। और इसमें हमारे पास रो की जो वैल्यू होती है वो होती है पॉजिटिव, रो हमारे पास पॉजिटिव होता है इसमें, क्योंकि ये डायरेक्ट रिलेशन है कि एक्सरसाइज आप जितना ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो उसी उतना आपका जो हेल्थ कंडीशन है वो से ज़्यादा होता है, आप हेल्थी हो जाते हैं। दूसरा हमारे पास, दूसरा अगर हमारे पास यही ग्राफ अगर हम ले लें,
कि स्मोकिंग यहाँ पे लिख लें हम स्मोकिंग, यहाँ पे हम एक्स एक्सिस पे स्मोकिंग लिखते हैं और यहाँ पे फिर वही हेल्थ लिखते हैं हेल्थ, और इसका ग्राफ हमारे पास इस तरह कुछ यूँ आएगा, इस तरह आएगा। तो ये हमें क्या बताता है, इसमें हमारे पास रो की जो वैल्यू है वो हमारे पास है नेगेटिव, रो यहाँ पे नेगेटिव होगा क्योंकि ये नेगेटिव रिलेशन है कि अगर आप स्मोकिंग बढ़ाते हो तो आपकी जो हेल्थ कंडीशन है वो ख़राब होती है, हेल्थ कंडीशन जो आपकी है वो ख़राब, आपका जो सही हेल्थ है जो जो क्या कहते हैं नॉर्मल हेल्थ, उससे आप डिक्लाइन की फेज पे आते हैं। तो ये नीचे देखो ग्राफ नीचे आया हुआ है, इसका मतलब ये है कि अगर एक शख्स जो है वो 10 सिगरेट यूज़ करता है तो वो है, उसकी हेल्थ यहाँ तक है यहाँ तक, लेकिन अगर एक शख्स जो है वो दिन में 50 सिगरेट पीता है तो उसका जो हेल्थ है हेल्थ वो इस लेवल पे आ जाता है, और ये इस लेवल से ये लेवल लो है। तो ये हमारे पास नेगेटिव कोरिलेशन का एग्जांपल है कि दो वैल्यू के दरमियान नेगेटिव रिलेशन कौन सी होगी, और अगर दो वैल्यू आपस में रिलेट नहीं है, दो वैल्यू अगर आपस में रिलेट नहीं है तब कैसे होगा। अगर हम यहाँ पे लिख लें कि मीन्स यहाँ पे हम क्या लिख लें, अगर यहाँ पे हम कोई क्या कहते हैं यहाँ पे हम लिखते हैं कि एक्सरसाइज, चलो यहाँ पे हम एक्सरसाइज लिख लें, यहाँ पे हम एक्सरसाइज लिख लें और यहाँ पे कोई और इस तरह की यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अब ब्यूटी लिख लेते हैं ब्यूटी, या कोई इस तरह एक्स लिखते हैं जिसका इसके साथ कोई रिलेशन नहीं हो, और हमारे पास इस तरह का ग्राफ आ जाए, इस तरह का ग्राफ, इस तरह का ग्राफ हमारे पास आ जाए तो यहाँ पे हमारे पास रो की जो वैल्यू होगी वो ज़ीरो होगी। इस ग्राफ में रो की वैल्यू जो है वो ज़ीरो है क्योंकि एक्सरसाइज और इस एक्स के दरमियान कोई भी रिलेशन नहीं है। एक्सरसाइज आप इतना करो तब भी आप इस तरह होंगे, एक्सरसाइज को आप बढ़ाते हो ये वहीं कांस्टेंट होते हैं। यहाँ पे रो की वैल्यू जो हमारे पास ज़ीरो है और इसका मतलब है नो रिलेशन, कि कोई भी रिलेशन नहीं है इन दोनों के दरमियान, सही है। तो ये हमारे पास कोरिलेशन हो गया। अब कोरिलेशन हम बाय स्टेट में किस तरह यूज़ करते हैं और इस पे जो हमारे पास क्वेश्चन आते हैं हम उसको किस तरह सॉल्व करेंगे वो आज करते हैं हम, कि हमारे पास जो एक क्या कहते हैं एक पैरामीटर दिया जाता है अक्सर बुक में, ये पैरामीटर अगर रो की वैल्यू, अगर रो की वैल्यू ये हमारे पास सेंटर है सेंटर, अगर रो की वैल्यू -25 तक 0.25 तक आती है, अगर रो की वैल्यू -0.25 है या प्लस 0.25 है तो हम इसको कहेंगे कि वीक कोरिलेशन, ये हमारे पास क्या होगा ये वीक। अगर हमारे पास रो की वैल्यू जो है रो की वैल्यू वो ज़ीरो से इंक्रीज है, रो ग्रेटर देन ज़ीरो एंड लेस देन आर इक्वल टू 0.25 तो ये हमारे पास क्या कोरिलेशन, ये वीक कोरिलेशन हमारे पास होगा। अगर इस साइड पे है तो नेगेटिव वीक कोरिलेशन, अगर इस साइड पे है तो ये हमारे पास पॉजिटिव वीक कोरिलेशन। दूसरा क्या है कि अगर 0.25 नहीं यहाँ पे -0.75, अगर रो की वैल्यू ग्रेटर देन 0.25 हो और लेस देन आर इक्वल टू 0.75 तो ये हमारे पास कोरिलेशन जो होगा ये इंटरमीडिएट कोरिलेशन होगा, इंटरमीडिएट होगा, और इस साइड पे होगा तो वो इंटरमीडिएट होगा लेकिन वो पॉजिटिव में होगा, उस साइड पे नेगेटिव में होगा इस साइड पे पॉजिटिव में होगा, और रिलेशन जो होगा वो इंटरमीडिएट होगा,
इंटरमीडिएट या इंटरमीडिएट जो भी हैं। और जब हमारे पास एक वैल्यू रो की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0.75 है और लेस देन आर इक्वल टू लेस देन 1 है, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास होगा स्ट्रांग कोरिलेशन। ये कोरिलेशन होगी स्ट्रांग, और या ये तो यहाँ पे -1 है, ये स्ट्रांग कोरिलेशन होगी, और इस सेट पे भी स्ट्रांग कोरिलेशन होगी लेकिन पॉजिटिव में होगी। ये सेट जो है पॉजिटिव स्ट्रांग कोरिलेशन होगी, और यहाँ पे हम +1 लिख लेते हैं। और अगर रो की वैल्यू हमारे पास आती है 1, +1 आता है, तो परफेक्ट कोरिलेशन पॉजिटिव, ये पॉजिटिव परफेक्ट कोरिलेशन होता है जब हमारे पास रो की वैल्यू +1 आती है। और अगर रो की वैल्यू हमारे पास आती है -1, तो नेगेटिव परफेक्ट कोरिलेशन, कि ये कोरिलेशन जो है ये परफेक्ट है और नेगेटिव है। तो ये आपको ये जो बैलेंस है ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे कोरिलेशन 0 है, तो इस सेट पे अगर आप 0.25 इसके दरमियान हो ये, तो आपके पास वीक होगा। अगर ये हुआ तो ये इंटरमीडिएट होगा, इंटरमीडिएट। और अगर रो की वैल्यू 0.75 से ज़्यादा और इससे 1 से कम है, तो ये क्या होगा, ये स्ट्रांग कोरिलेशन होगा। और 1 जब आ जाता है, तो अगर +1 आता है तो पॉजिटिव कोरिलेशन और परफेक्ट कोरिलेशन, और अगर नेगेटिव -1 आता है तो नेगेटिव परफेक्ट कोरिलेटेड। अब इसके बाद हम इसका फार्मूला लिखते हैं कि इसका फार्मूला क्या है। कोरिलेशन हम मालूम करते हैं तो उसके लिए कौन सा फार्मूला यूज़ होता है, तो आप यहाँ पे देख लें, ये कोरिलेशन का जो सिंबल है इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई एन होल डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एन इंटू सिग्मा वाई स्क्वेयर माइनस सिग्मा वाई होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एन इंटू ब्रैकेट। तो ये हमारे पास कोरिलेशन का फार्मूला है, पियर्सन जो सिंबल हैं ये उसका फार्मूला है। सिग्मा एक्स वाई, क्योंकि हमने रिलेशन मालूम करना है एक्स एंड वाई में, तो सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई एन, ये सैंपल साइज है। और सिग्मा एक्स स्क्वेयर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एन, ये तो ये फार्मूला हमारे पास है। इस फार्मूले के तहत हम ये क्वेश्चन आज के करेंगे। एक क्वेश्चन इस पे करते हैं तो आप लोगों का माइंड जो है कोरिलेशन के बारे में इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। ये वेरी सिंपल है लेकिन इसे थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, क्योंकि चूंकि बाय स्टेट हमारे पास मैथ्स हैं तो उसके लिए प्रैक्टिस करनी चाहिए। हमारे पास एक एज और किस में है वेट, इन दोनों में कोरिलेशन यहाँ पे मालूम किए जा रहे हैं। तो एज हमारे पास 1, 2, 3 ये सैंपल लिया, और वेट का 2, 4 और 6 सही। अच्छा, तो ये हमारे पास एक्स हैं और ये हमारे पास वाई है। ये सिग्मा एक्स कितना आता है, सिग्मा एक्स हमारे पास आता है 3 + 2 5 + 1 6, और सिग्मा वाई हमारे पास क्या आता है 6 + 4 10 + 2 12। अच्छा, अब हम एक्स वाई मालूम करते हैं, एक्स इंटू वाई, तो आप इसको आपस में ज़र्ब करते जाएं, 2 × 2 4 × 2 8 6 × 3 18। तो सिग्मा एक्स वाई अगर आप यहाँ पे मालूम कर ले तो कितना आता है हमारे पास 28, क्योंकि 18 + 8 + 2
हमारे पास 28। इसके बाद हम एक्स स्क्वायर मालूम करते हैं कि एक्स स्क्वायर हमारे पास, और फिर हम वाई स्क्वायर मालूम करेंगे। तो एक्स स्क्वायर क्या है, वन, वन स्क्वायर इज इक्वल टू वन, टू स्क्वायर हमारे पास 4 आता है, और थ्री स्क्वायर हमारे पास आता है 9। बिल्कुल इसी तरह वाई पे जाएं तो वाई पे हमारे पास 2 स्क्वायर आता है 4, 4 स्क्वायर हमारे पास आता है 8, और 6 स्क्वायर जो हमारे पास है वो आता है 36। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर जो है वो कितना आता है, सिग्मा एक्स स्क्वायर आता है 14, और सिग्मा वाई स्क्वायर कितना आता है, वाई स्क्वायर हमारे पास आता है 56। 1 मिनट प्लीज। अच्छा जी, सॉरी फारोस। तो ये हमारे पास डेटा हो गए। अब इसके बाद हम फार्मूला लिखते हैं भाई, इसका जो हमने फार्मूला लिखा था उसमें फिर हम वैल्यूज की पुटिंग करेंगे। तो फार्मूला कुछ यूं तरह इस तरह का था कि सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई एन होल डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स स्क्वेयर माइनस सिग्मा एक्स इंटू होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एन इंटू सिग्मा वाई स्क्वेयर माइनस सिग्मा वाई होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एन, ये इसका फार्मूला है। इसमें आप जस्ट पुटिंग अगर कर ले तो आपके पास क्या आता है, अगर इसमें हम पुटिंग करते हैं तो सिग्मा एक्स वाई जो हमारे पास है वो है 28 माइनस सिग्मा एक्स क्या है, सिग्मा एक्स हमारे पास है 6 माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाई 12 डिवाइडेड बाई सैंपल जो है वो 3 होल डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स स्क्वायर हमारे पास सिग्मा एक्स स्क्वायर 14 माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर अगर हम दें तो 36 आता है। सिग्मा एक्स होल स्क्वायर अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो क्या क्या हमारे पास 36 डिवाइडेड बाई 3 इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर हमारे पास 56 माइनस यहाँ पे 12 पे अगर आप स्क्वायर लेते हैं तो 144 आते हैं डिवाइडेड बाई 3। ये हमने पुटिंग कर ली वैल्यूज की। तो वैल्यूज की पुटिंग हो गई तो अब हम देखते हैं कि इससे हमारे पास आंसर क्या आता है। इसको मिटाते हैं, ये जो हमारा गिवन डेटा है इससे हमारे पास आंसर आता है कितना, आंसर इससे हमारे पास आंसर आता है +1। अगर आप इसको सॉल्व कर लें तो इससे हमारे पास आंसर आता है रो इज इक्वल टू +1। सही है, तो ये क्या है, ये हमारे पास है पॉजिटिव परफेक्ट कोरिलेशन। कोरिलेशन इसी तरह होता है कि हमने दो चीज़ों के दरमियान रिलेशन मालूम करना होता है, वहाँ से आप डेटा ले लें, उनको इस वैल्यू फार्मूला में पुट कर लें तो आपके पास आंसर आ जाता है। तो इसके बेस पे आप डिसाइड करते हैं कि ये कौन सा कोरिलेशन है, पॉजिटिव कोरिलेशन है या नेगेटिव कोरिलेशन है। तो ये आज हमारा कोरिलेशन का टॉपिक हुआ। इसमें अगर किसी को प्रॉब्लम वगैरह हो तो वो कमेंट में या ईमेल में हमसे पूछ सकते।